अहले वतन को ईद की मुबारकबाद को बोलो। ये ईद हम बहुत मुश्किल हालात में गुजार रहे हैं और हमें अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए और अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के नौजवान हैं जो हमारे और आपके लिए, हमारी अपनी जिंदगियों को आसान बनाने के लिए, हमारे बच्चों को महफूज बनाने के लिए अपना ईद का दिन भी हमारे लिए कुर्बान कर रहे हैं, हमें उनको याद रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो PIA के हादसे में हमारे शहरी शहीद हुए हैं, हमें उनको याद रखना चाहिए, उनके लवाइकीन के लिए सब्र की दुआ करनी चाहिए। हमें इस ईद के मौके पर अपने घरों में रहना चाहिए, गैर ज़रूरी तौर पर हम घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें। रवायती तौर पर जिस तरह हम ईद के मौके पर सबसे गले मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं, मसाफा करते हैं, इस ईद पर हमें उन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करना है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये ईद हमारे लिए अल्लाह ताला की नेमत के तौर पे आए और अल्लाह ताला इस ईद के सदक़े में, रमज़ान के सदक़े में हमारी कौम की मुश्किलात को आसान फरमाए। बहुत शुक्रिया।